कुराली में विजिलेंस विभाग की टीम ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंचकर की जांच शुरू। शहर में लगभग 5 साल पहले आ गया था सीवरेज प्रोजेक्ट, बिना चले ही शहर निवासियों के लिए परेशानी बना हुआ है। लोगों की इस समस्या और सीवरेज प्रोजेक्ट की खामियों को लेकर क्षेत्र में कई राजनीतिक, समाज सेवी, दुकानदार व किसानों ने अपने स्तर पर कई शिकायतें दी हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन पहले इसी मुद्दे को लेकर हल्का खरड़ विभाग कंवर संधू ने उच्च स्तर पर शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने अधरेड़ा रोड पर बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंच जांच कार्रवाई शुरू किया। सुरेंद्र जी कितों आए हो जी? विजिलेंस ब्यूरो मोहाली तो आए। अच्छा जी, जिहड़ियां अज उरे ट्रीटमेंट प्लांट ते आ तुसीं, उरे विजिलेंस दा छापा पिया है जी, उरे की खमियां पेशियां उहदे बारे जानकारी दोगे? इस तरह ही असीं हैड ऑफिस तों साडी ड्यूटी लगी सीगी, फिर तुसीं सीवर जिहड़ा कुराली शहर दे विच पिया हैगा उह प्रॉपर नहीं बणिया हैगा, उहदी चैकिंग करनी हैगी। हाँ जी, ते एस टी पी उहदा पार्ट हैगा इक, इस तो अलावा जो शहर से सीवर पिया है तो वह आप सारा चैक करना है, वन कॉम्पोनेंट जो आप चैक किया इस अलावा वो भी सारा चैक करना है, उस तो बाद अभी पूरा क्लीयर कर सकते की चीज़ है। सर की शिकायत किने करी दी जी? शिकायत हैडक्वार्टर वाले दस सकते हैं कि साढ़े हैडक्वार्टर तुम पता कर सकते हैं कि साडा जो मैंडेट यह है कि अभी जाके मौके चैक करने आए, इस तो अलावा जो चीज़ कलैरिटी लैनी तुम हैड ऑफिस में जाकर मॉली क्लीयर कर सकते। इस टाइम की कमियां पेश आई हैं जी? आप नोट किए कि हम पूरा रिकॉर्ड देखा। सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक शहर में करोड़ों रुपए की लागत से डाले गए सीवरेज प्रोजेक्ट के फेल होने व इसकी वजह से शहरवासियों को पिछले कई वर्षों से पेश आ रही मुश्किलों के चलते हल्का खरड़ विधायक कंवर संधू द्वारा इस संबंधी उच्च स्तर पर शिकायत दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने विभाग के एक्सीएन सुरेंद्र कुमार शर्मा की अगुवाई में विजिलेंस विभाग रोपड़ से सब इंस्पेक्टर हरबंत सिंह तथा एएसआई सरवन सिंह की टीम ने अधरेड़ा मार्ग पर बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और आगे की कार्यवाही करने का आदेश दिया। हर प्रकाश टीवी के लिए कुराली से गुरसेवक सिंह की रिपोर्ट।